डीआरएम समस्तीपुर की लापरवाही के कारण जितवारपुर निजामत है जलमग्न। समस्तीपुर दिनांक 21 जून 2021 को जितवारपुर निजामत पंचायत में आम जनता एवं भाकपा माले का आक्रोश डीआरएम एवं नगर निगम समस्तीपुर के खिलाफ उठा। सभी लोगों का कहना था कि आज से पहले अंग्रेज हुकूमत के समय माल गोदाम रोड एवं जितवारपुर सोनेलाल ढाला के पास बने पुलिया को जाम कर दिया गया है, जिससे जितवारपुर मसलनचक एवं समस्तीपुर शहर सहित जितवारपुर हसनपुर गांव में जल जमाव हो जाता है। साथ ही साथ जितवारपुर रेलवे कॉलोनी, लोको ब्रेकडाउन कॉलोनी, डीएसपी कॉलोनी एवं आरपीएफ कॉलोनी में जल जमाव होने से महामारी एवं संक्रमण रोगों का खतरा बढ़ गया है। मुख्यालय से जितवारपुर जोड़ने वाली मुख्य सड़क, जिससे माल गोदाम रोड पर जल जमाव के कारण पैदल चलने वालों को खतरा आमंत्रण देने से कम नहीं है। यह गनीमत है कि कोविड 19 लॉकडाउन के कारण कॉलेज व कोचिंग संस्थान सब बंद हैं, अन्यथा इस क्षेत्र के छात्र छात्राएं कई संक्रमण रोगों दुर्घटना जैसे रोज ही रूबरू हो रहे होते। इन समस्याओं से जूझ रहे लोगों ने आज भापका माले पंचायत कमेटी के बैनर तले डीआरएम एवं नगर निगम समस्तीपुर का पुतला लेकर सोनेलाल ढाला से छोटे लाल चौक पर आक्रोश मार्च निकालकर डीआरएम शर्म करो, जल निकासी की व्यवस्था करो का नारा लगाते हुए अंत में पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भापका माले पंचायत कमेटी सचिव राजकुमार चौधरी, अशोक कुमार, ललन कुमार, नंद किशोर राय, मिथिलेश कुमार राय, कृष्णदेव उर्फ भगवान, भरत कुमार, परमेश्वर राजेश कुमार, विनोद कुमार इत्यादि सैकड़ों लोग उपस्थित थे। समस्तीपुर बिहार से अशोक कुमार पूसा की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। साथियों है लड़का तू, साथियों आज जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि डीआरएम और नगर निगम का जो पुतला दहन कर रहे हैं, आज जब इससे पहले जो तूफान आया था यास, उस समय में यह जल भर गया। उसके बाद डीआरएम साहब का जो यह पानी इस रोड से जाता है वह पाइप में चल के देखा जाए वह पाइप फूटा हुआ, जिसके कारण आए दिन इस समय पानी लगा हुआ रहता। इससे पूर्व भी हम लोग डीआरएम साहब से मांग किए थे, एसडीओ सिविल एसडीओ से भी कहे थे, उन्होंने कहा कि हम इसको जल्द से जल्द व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं कुछ किया है। यह आज हम लोग का एक सांकेतिक है कि हम लोग उनका पुतला दहन कर रहे हैं। पुतला दहन के बाद फिर आगे जरूरत पड़ने पर हम लोग डीआरएम साहब के भी समक्ष धरना प्रदर्शन करेंगे। हाँ, इस कोरोना महामारी के बीच में ही जो ऐसा स्थिति है, इसके बाद जो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे उसके जवाब यही प्रशासन पर होगी, क्योंकि प्रशासन अपने कान पर जू भी नहीं लग रही है और रखे हुए है।